हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। आज की वीडियो जो है आप लोगों ने टाइटल में गेस कर ही लिया होगा कि आज जो मैं बताने वाली हूँ हम अपने सफेद बालों से कैसे बचा जा सकता है, या हम सफेद बालों को कैसे रोक सकते हैं, या सफेद बालों का क्या इलाज है जो घरेलू नुस्खा है जिससे कि हम अपने सफेद बालों को जो है काला कर सके, व्हाइट हेयर टू ब्लैक हेयर जैसे कहा जाता है, तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगती हो, अगर वीडियो देखते देखते अच्छी लगने लग जाए तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल नीचे रेड कलर का है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले इसे वॉच कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील की बर्तन भी ले सकते हैं या लोहे की कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैंने आंवला पाउडर लिया है, और ये जो है मैंने मिक्सी में जो है आलू को मैंने आलू का जूस बना लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हमें आलू का जो है पेस्ट नहीं डालना, हमें इसकी जो है जूस को हमें इसके पानी को जो है हमें इसको जो है अच्छे से स्क्वीज करना है और इसके अंदर डालना है। आप देख लीजिए इस पेस्ट को जो है थोड़ा सा हमें थिक रखना है, गाढ़ा पेस्ट बना के रखना है, और साथ के साथ हमें इसमें जो है एलोवेरा को भी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि हमें इंस्टेंट लगाना है। तो इसको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट आप जो है इसको ऐसे ही रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद ही आप देखिएगा इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर में आप देखेंगे इस तरह। ढक्कन को हटाते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस पेस्ट को देखना चाहूँगी। देखिए इसका रंग जो है बिल्कुल आलू ने जो है अपना कलर छोड़ दिया है, साथ के साथ में जो आंवला पाउडर है उसने भी आप काफ़ी अच्छा कलर कर दिया है ये। अब आप इसको जो है अपने बालों पे लगा सकते हैं। आपको जो कोई भी हीना मेहंदी डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको जो है इंस्टेंट अपने बालों पे लगा। यहाँ पर जो है मैं बहुत सारे व्हाइट हेयर्स है, अब मैं व्हाइट हेयर्स पे आपको लगा के दिखाऊंगी और इसका रिजल्ट भी आपके सामने ही दिखाऊंगी अभी थोड़ी सी देर में। आपको जो अपने बालों पर 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए अपने बालों पर ऐसे ही छोड़ना है, और आपको देखना इस पेस्ट को जो ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट ही इसका रखना है, और अपने इन बालों पर आप लगा लीजिएगा। थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे आपको जो ना कोई मेहंदी लगाने की जरूरत है, ना कोई डाई या ना कोई कलर लगाने की जरूरत है, और आप देखेंगे आपके बाल जो बिल्कुल व्हाइट हेयर टू जो ब्लैक हो चुके होंगे। अब थोड़ी सी देर में आप देखेंगे इनका कलर काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हेयर वॉश कर लिया, अब जो जितने भी व्हाइट हेयर है सारे हाइड हो चुके हैं, सारे छुप चुके। अब आप जो है बिना डाई के बाल काले कर सकते हैं। देखा आपने, इसे बनाने का तरीका बहुत इजी था, बहुत आसान था। आप इसको जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में आप इसको बना सकते, बना के लगाएंगे, मगर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। इसको जो है अपने बालों को कन्वर्ट, काफी लोगों के जैसे हार्ड जो हेयर होते हैं, जो काफी ज्यादा ड्राई हेयर होते उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे जो है मैंने बहुत मेरे हार्ड और घुंघाले बाल थे, तो जो मैंने अपने बालों को बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। हाँ, टाइम लगाया 3 से 6 महीने लगे करते करते करते, आज जो है मेरे नेचुरल तरीके से जो है सफेद बाल काले होने लग गए, क्योंकि मेरे को जो है नजला की प्रॉब्लम थी, तो मेरे जो है सफेद बाल बहुत जल्दी हो जाते थे, तो मैं कभी कलर करवाती कभी डाई करवाती, फिर मुझे लगा कि मैं जहाँ भी डाई करती थी डाई के साथ साथ जो व्हाइट हेयर्स के साथ साथ ब्लैक हेयर भी मेरे जो व्हाइट होने स्टार्ट हो गए, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो इसकी वजह से जो है मैं घर पे ही अपने घरेलू नुस्खे से जो है जो आप आज जो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, इसी तरीके से जो मैं अपने बालों को काला करती थी। और काफी लोगों को जो कंप्लेंट आती है कि मैम हमारे बाल काले नहीं हो रहे, जी मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगर एक बार नहीं होता तो आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, क्योंकि सबका जो टेक्सचर अलग होता है बालों का, बालों में जो है सबकी जो ग्रोथ अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग होता है, रूट्स अलग होता है, हमारे हार्मोन इम्बेलेंस अलग होता है, हर तरह का सबका शैम्पू अलग होता है, जैसे कहते हैं खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग, वैसे ही हम लोगों का हर चीज सबसे अलग होता है। इसलिए कईयों का जैसे मेरे हस्बैंड अगर लगाते हैं तो उन्हें 2 या 3 बार लगाना पड़ता है, और मैं जब भी कोई चीज लगाती हूँ तो मेरे फर्स्ट टाइम में ही जो अच्छा जो है ये जो घरेलू नुस्खा में जो अपनाती हूँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट अच्छा दे देता है। इसलिए आप जब भी ट्राई करें तो आपको पेशेंस लेना चाहिए, आप 1 से 2 घंटा लगाए, एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए आप अपने बालों पे रखें, और जब भी बालों को वॉश करें तो बालों को साथ पानी के डायरेक्ट नहीं करें, उसके साथ शैम्पू मिक्स करके डायरेक्ट उससे वॉश करें, जिससे कि आपके स्कैल्प जो है बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बालों बिल्कुल जो है कच्चे नहीं पड़ेंगे ना ड्राई होंगे, इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी, काफी लंबी वीडियो हो गई। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाय, टेक केयर। ऐसी वीडियोस में और आप लोग साथ शेयर करती होंगी, बाय। ऐसे ही मेरे साथ जो है आप लोग जुड़े रहिएगा।